बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं। अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके और आप घर बैठे इस परेशानी को दूर कर सकें। आज मैं जो वीडियो में नुस्खा बताने वाली हूँ वो है बच्चों का बिस्तर में पेशाब निकल जाना, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका जो है इस्तेमाल किस तरह करना है। आज की इस वीडियो में बच्चों के लिए जो परेशान कुन तकलीफ दे बीमारी है वो है, मैं जो बहुत ज़्यादा माएँ भी परेशान हैं, बच्चों का बिस्तर पेशाब निकल जाता है। माएँ बच्चों को डांटती हैं ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को, जो कि एक बीमारी भी है और अल्लाह ताला ने अगर ये बीमारी दे दी है तो आप इसका हल सोचें, मारे पीटे नहीं। तो इस तरह बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, दिल कमज़ोर कर लेते हैं अपना। तो बच्चों को समझाएँ और प्यार से उसका जो है जो पेशाब निकल गया उसको जो है आप उसका हल सोचकर उसका इलाज कीजिएगा। आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी इसमें आपने चीज़ों का जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उन चीज़ों को बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके और आप बच्चों का ये परेशानी को दूर कर सकें। इसमें जो चीज़ें आपने लेनी है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का आपने इस्तेमाल करना है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे सफ़ेद तिल। और उसके बाद आपने जो है मुनक्का, मुनक्का को भी आपने लेना है, इसको जो है साफ़ करना है धोकर, इसके अंदर की जो बीज है ये आपने निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद फिर आपने दवा को तैयार करना है, मैं बताती हूँ वो कैसे। इसके बाद आपने जो है नारियल का इस्तेमाल करना है, नारियल जो है ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये नारियल जो है आपने कोई जैसे भी बहुत ज़्यादा लोग पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने घर लाकर इसका इस्तेमाल करना है, पिसा हुआ आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। तो ये नारियल जो है ये आपने ताज़ा लेकर आना है, जैसे भी ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा जैसे हो ऐसा हो, तो काला ना हो जैसे बहुत ज़्यादा गंदा होता है, ये आपने नहीं लेना, इस तरह का जो है नारियल होना चाहिए। तो ये नारियल जो है आपने घर लाकर इसको जो है पाउडर बनाना है, इसकी सफाई करनी है। इसके बाद आपने जो है इसका इस्तेमाल करना है वो कैसे, आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं 250 ग्राम, नारियल आपने 250 ग्राम, मुनक्का जो है ये भी आपने 250 ग्राम ले लेने हैं। इन चीज़ों को आपने हम वजह लेकर क्या करना है, जो आपने ये जो नारियल है इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, बारीक बारीक छोटा छोटा आपने कर लीजिएगा। बारीक वाले कद्दूकश में आपने इसको कद्दूकश करना है, मोटी तरफ से नहीं, बारीक तरफ से करेंगे तो बच्चों की आसानी से दवा तैयार होगी। और मुनक्का को इन सबको आपने जैसे मैंने बताया कूट लें, इसको अच्छे तरीके से इसका बीज निकाल कर आपने कूटना है। फिर इनके आपने लड्डू बना लेने हैं, लड्डू जो है आपने बना कर जो है जैसे मैंने मुनक्का के बीज का निकाल कर फिर आपने इसको कूटना है, ऐसे नहीं कूटना, आपने लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने के बाद इतने लड्डू बना लीजिएगा कि आपका बच्चा एक लड्डू आसानी से खा जाए। तो सुबह निहार में आपने एक लड्डू बच्चों को देना है, 15 मिनट के बाद आपने बच्चे को नाश्ता कराना है। इसी तरह आपने रात को सोने से पहले एक लड्डू खिलाना है, इंशाल्लाह बच्चों के पेशाब जो निकल जाने की शिकायत है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत ही उमदा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप अपने बच्चों को खिलाएँ और ये खाने की चीज़ है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ये घर में बनाकर आप नुस्खा बनाकर रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। यह नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है, ताकतवर भी होगा, बच्चों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी जिसकी वजह से उनका पेशाब निकल रहा है, तो यह कमज़ोरी को भी दूर करेगा और उनके जो है ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत ही उमदा है, आप इस्तेमाल करवा कर फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लाइक करके सबसे पहले मेरी वीडियो को दूसरी जो वीडियो आने वाली है उनको हासिल कर सकते हैं और सबसे बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी परेशानी जो है आपको ज़्यादा है वो दूर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।